चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आप तात्कालिक निर्णय लेते, हम दीर्घकालीन निर्णय सोचते हैं। हम कभी भी संविधान से बाहर सोचने का काम नहीं करते। जिस नेता का इलाज करना हो, एक FIR दर्ज करो, 4 गवाह लगाओ, 2 साल की सजा कराओ और विक्रम सैनी बनाओ। हमसे इन टिकिया चोरों से हमारा मुकाबला करोगे? अरे अतीत उठा करके देखिए, हम अतीत में मैदान में दिखाई देंगे, चाहे खेल का मैदान हो या खेत में दिखाई देंगे, और उनका अतीत कहां का है उसकी तुलना कीजिए। और आंदोलन केवल करने के लिए आंदोलन नहीं करना, अगर समस्या का समाधान हो जाए तो अपने खेत में काम करना। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, आम समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, किसान यूनियन के समस्त पदाधिकारीगण, सम्मानित अधिकारीगण, सम्मानित कलमगार और छायाकार साथियों और कमेरे साथियों, जिनके सम्मान की रक्षा के लिए हम सब लोग यहां बैठे हैं, मैं सभी को सुन रहा हूं। अजीब विडंबना है। लोकतंत्र के बारे में पता लगा था कि लोकतंत्र संविधान के द्वारा चलाया जाता है, यहां संविधान को रोज तोड़ा जाता है। डेमोक्रेसी में जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी जाती है, और जो यहां हाल हो रहा, मुझे तो अफसोस ये है कि कभी कभी हमारे पढ़े लिखे अधिकारी भी चूक कर जाते हैं। बहुत छोटा मामला था, जांच आपको करनी थी, इन्होंने तहरीर दी थी, मुकदमा दर्ज कर लेते, आप एक्सपेंड कर देते, 182 का मुकदमा इनके खिलाफ चला देते, आप FIR लगा देते, इसकी जरूरत नहीं थी। मामला मात्र शक्ति का है। विनोद मलिक को अगर ये गलत फहमी हो कि हम इसकी वजह से आया नहीं, अगर टोल पर इसका कोई झगड़ा हो जाए, इसके व्यापार में हो जाए, तो हम इसका साथ नहीं देंगे। ये मामला उस मात्र शक्ति का जो पूजा के योग्य है, जिसे हमारे शास्त्रों ने पूजने का और वंदनीय कहा है, मातेश्वरी हमारी चाची, अगर इसकी माता जी है तो हमारी चाची भी, किसी की ताई होगी, किसी की दादी होगी, बापी वाले तो थोड़े ही बच रहे। दोस्तों अफसोस ये है, अभी भाई तिरस्पाल जी बता रहे थे, हम लोगों ने तानाशाही भी देखे। हम पढ़ते थे विद्याभूषण जी, आदरणीय स्वर्गीय विद्याभूषण जी, बड़े तानाशाह मंत्री थे, हमारा रोज झगड़ा होता था, हम स्टूडेंट लीडर थे। परंतु जब 85 में टिकट मिले तो उनका पत्ता साफ था, उनको टिकट देने वाला था नहीं, और वो विद्याभूषण जी मेरे साथ खड़े थे 85 के चुनाव में, जब मैं लोकदल से चुनाव लड़ा। उस महान व्यक्ति की, जो एक देश का पूर्व प्रधानमंत्री नहीं, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कितने लोग जानते हैं, श्रद्धे चौधरी चरण सिंह, और पूजनीय माता गायत्री देवी जी ने जेल काटी है, इस देश की आजादी के लिए जेल गए, उनकी तस्वीर को डिसलोकेट कर दे, इससे बड़ा पाप इस आजाद भारत में हो नहीं सकता। और दोषी वो सब है जिन्होंने उस पाप को छुपाने की काम किया, उसको दबाने का काम किया है, उस FIR को ना लिखने का काम किया। पता नहीं सरकार ये चाहती है कि इन्हें उत्तेजित करो, लोगों को सड़क पर लाओ। मेरा लंबा अनुभव, जब सरकारें चली जाती है, सरकारें गई हैं, मैंने वो दिन भी देखा है जब इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया कहा जाता था, और इंडिया जी स्वयं चुनाव हार गई, फिर कमीशन मरते हैं, जांच आयोग बैठते हैं, जांच होती है, गर्दन किसकी फंसती है इसका जरा हमेशा हिसाब रखो। और राजनीतिक आदमी का दिमाग कंप्यूटर होता है। आप तात्कालिक निर्णय लेते, हम दीर्घकालीन निर्णय सोचते हैं। हम कभी भी संविधान से बाहर सोचने का काम नहीं करते। उस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने देश की और प्रदेश की पंचायतों में बैठने का मौका हमारे ऐसे लोगों को दिया,
अगर चौधरी चरण सिंह ना होते तो मुलायम सिंह यादव जी इस देश के चार बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ना बनते, देश के रक्षा मंत्री ना बनते। आदरणीय स्वर्गीय अजीत सिंह जी कभी केंद्रीय मंत्रिमंडल को सुशोभित ना करते और बहन मायावती जी जो है उनका चरण सिंह से कोई वास्ता रहा हो, जो साहब से ना रहा हो, अगर वो राजनीति में चौधरी चरण सिंह ना आए होते, छोटी चीज थे चरण सिंह, तो मायावती जी कभी मुख्यमंत्री ना बनती। राजनीति सरमाएदारों की तिजोरी में कैद थी। हमारे जिले में वीरेंद्र वर्मा जी ने सहयोग किया और इस देश की जनता को आदरणीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने, जिसके हम पैर की धूल के बराबर भी नहीं है, उसने रास्ता दिखाया। और दोस्तों उसके चित्र को हटा दे, अगर हटा है तो एक गंभीर मामला है और ये सदन और सरकार में सब जगह उठाने का मामला है, सब जगह उठाने का काम होगा, मैं आपको बता रहा हूं। इसे गंभीरता से लीजिए, इसे हल्के मत लीजिए। चौधरी चरण सिंह जैसी हस्ती अगर आग की पुतली घूम जाए तो अमृतसर से लेकर के पटना तक और भुवनेश्वर तक सरकारें बढ़ती बिगड़ती थी। चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को लेकर के चलने वाले दो दल अगर उत्तर प्रदेश में है समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, तो बीजू जनता दल भी उन्हीं की विचारधारा को लेकर के चल रहा है। हरियाणा की सरकार बैठी जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल भी उसी की विचारधारा को लेकर के चला। नीतीश कुमार हमारे साथ थे, लालू यादव हमारे साथ राज्यसभा में रहे, उनका भी स्नेह चौधरी चरण सिंह है। मैं किस किस प्रदेश के नाम गिनाऊं, मैंने बरनाला जी को देखा, आज इस दुनिया में नहीं है। मैंने प्रकाश सिंह बादल जी को सुना है, बैठ करके सुना है। वो चौधरी चरण सिंह को अपना गुरु बताते थे कि सिखों के 10 गुरु है, उसके बाद अगर धार्मिक भावना याडे ना आवे तो मैं ये कह दूं कि चौधरी चरण सिंह भी हमारे गुरु थे। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट में गो और गवर्नमेंट में कम, बट ये डेमोक्रेटिक सेटअप अधिकारियों कंधे पर बैठ करके चलता है। चुनाव भी ये निष्पक्षता से वो कराते हैं, संपन्न कराते हैं। हम लोग जनता के रहम करम पर है, हमारे फैसले यदा कदा जनहित में ना होकर के मत हित में होते हैं, पर आप अपनी बल बुद्धि पर चयनित हुए हैं। आपके फैसले तो संविधान के अनुकूल होने चाहिए, जो पासिंग आउट में आपने जो शपथ खाई थी उसके अनुसार होने चाहिए। आप हमारा इलाज कर सकते हैं, हम बखूबी जानते हैं। आजकल तो जिस नेता का इलाज करना हो, एक FIR दर्ज करो, 4 गवाह लगाओ, 2 साल की सजा कराओ और विक्रम सैनी बनाओ। परंतु यह मत भूलो, हम भी कम पढ़े लिखे नहीं है, जिसकी तलाश में लग जाए उसका कैरियर बर्बाद कर सकते हैं। हम ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करा सकते, हम चरण सिंहवादी लोग हैं, गांधीवादी लोग हैं, हम मारपीट में हिंसा में विश्वास नहीं रखते, पर हम पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे माँ बाप ने हमें पेट काट करके पढ़ा है, हम स्कूल माँ में फीस माफ करके नहीं पढ़े, हमारी कलम भी चलती है और हमारी जिह्वा भी चलती है, हम दोनों को वह चलाना जानते हैं, जलना जानते हैं, हम शांति के पुजारी हैं। विनोद सब तुझको उकसाएंगे और मित्रों मैं आपसे भी कह रहा हूं, अगर इंसाफ चाहते हो तो लंबे आंदोलन के लिए तैयार रहो, पर आपका आंदोलन निश्चित रूप से गांधीवादी, चरण सिंहवादी, मुलायमवादी होना चाहिए, अजीतवादी होना चाहिए। अगर आपने हिंसा की तो आंदोलन टूट जाएगा। प्रशासनिक अधिकारी ये चाह करते हैं कि आंदोलन में हिंसा हो जाए, आप आंदोलन पथ भ्रष्ट हो जाए और मुख्य मुद्दे से निकल जाए एक तरफ। हमारी मांग, एक दिन मुझे एक अधिकारी ये समझावे कि साहब सट्टे वाले की तलाशी, जो आदमी पकड़ा जाता है उसकी तलाशी के लिए पुलिस कप्तान है ना, उसे परमिशन लेनी पड़ती है। हमने सोचा अगर तू इसे ये कहे, मुझे 44 साल यूं काम करते हो लिए, अपराधी की परमिशन देने वगैरह SP देन नगर का तलाशी की, तो मैंने कहा ये अतिशयोक्ति होगी, मैं हम अपने अनुभव के बारे में इन्हें बताऊंगा। हमने कहा चलिए ठीक है, कोई महात्मा की सिफारिश नहीं,
अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। पर दोस्तों, किस गांव में इस बैग नहीं बिखरा बताइए, आप ऐसा कौन सा बताऊंगा बिखरा रहे गली गली में इस बैग, कहां सच्चा नहीं हो रहा, ये कौन करा रहा, कौन किसकी मर्जी से हो रहा। हाँ, हम शराब बिकवाते हैं क्या? हम दावे और चुनौती के साथ कह सकते हैं 44 साल हो गए राजनीति में, अगर कोई एक पैसे का बला ब्लेम लगा दे, एक माननीय मुख्यमंत्री हमसे नाराज हो गए, उन्होंने डीएम को कहा कि इसने बड़ा परेशान कर रखा है, इसकी जांच कीजिए, तो डीएम ने उसे कहा नहीं, ठेकेदारी करता रहता है, बाजारी करता, क्या बिगाड़ूंगा इसका। दोस्तों, मैं प्रशासन के अधिकारियों से भी एक निवेदन करना चाहता हूं, आप अपनी बुद्धि के बल पर जीत चुन करके आए, इलेक्टेड और सेलेक्टेड में अंतर है। अगर हम और मुख्यमंत्री चाहे तो एक चपरासी आउट ऑफ फ्रंट प्रमोट नहीं कर सकते, हम कर दें कोर्ट बैठी है और हम भर्ती नहीं करा सकते। सिपाही जो भर्ती होता है बड़ी कठिन परीक्षा देकर होता है, उसका एक ज्ञान है, सब इंस्पेक्टर हो, पीपीएस हो, पीसीएस हो, आईपीएस आईएएस हो, आईआरएस हो, आईएएस हो, आप योग्यता पर चुने गए, आपका सम्मान है, उस सम्मान को बरकरार रखो, और सम्मान जब बरकरार रहेगा कि आप निष्पक्ष रहे, निष्पक्षता दिखाई भी देनी चाहिए कि आप निष्पक्ष हैं, कहने मात्र से निष्पक्ष नहीं हो जाता, अरे क्या कर रहा है कोई जा जाना, आपका ट्रांसफर कर देगा, दूसरी जगह नौकरी करोगे, पट्टा तो यहां का भी नहीं लिखा, यहां का कहां पट्टा लिखा है। दोस्तों, यहां यह तय हुआ कि वरिष्ठ लोग बैठ करके निर्णय करेंगे, मैं अपने जिला अध्यक्ष जी से मेरा अनुरोध है, जो हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं बड़े भाई प्रमोद त्यागी जी, कि जो लोग दल का निर्णय होगा उसमें हम 100% सहयोग करेंगे और सक्रिय भागीदारी करेंगे, हमारा समर्थक पीछे नहीं रहेगा, हमारा साथी पीछे नहीं रहेगा, आंदोलन में सरेगा। बा अनुरोध एक है कि प्रशासन की चाल में मत फंस जाना, हालांकि लोकदल में मैच्योर लोग हैं, हिंसा मत कर देना, तोड़फोड़ मत कर देना, आपको उकसाएंगे, हम और आप चरण सिंहवादी हैं। मैं तो कांग्रेस में भी रहूं, पर चरण सिंह जी का, सरदेव चौहान साहब का जीवन काल पढ़ करके देखो, उन्होंने अपने जीवन काल में कभी हिंसा नहीं की। भोलानाथ तिवारी चीफ सेक्रेटरी थे उत्तर प्रदेश के, हमारे मित्र थे। मैं एक घटना बता करके जाता हूं, जिस चरण सिंह की ये बात कर रहे हैं, उस चरण सिंह की तस्वीर को छेड़ने वालों के लिए सबक होगा। मैंने राजनीति लोगों की बताई, बीजू पटनायक से लेकर के प्रकाश सिंह बादल तक बताई, सुरजीत सिंह बरनाला तक बताई। दोस्तों, भोलानाथ तिवारी एक दिन हमें कहने लगे, मैं बात करना चाहता हूं, रिटायरमेंट का थोड़ा समय था, हम एमएलए भी नहीं थे, लखनऊ में थे, हम चले गए, तो उन्होंने कहा आज की राजनीति में चौधरी चरण सिंह दिखाई नहीं देते। देखो, मैं कलेक्टर था मेरठ का, दो घटनाएं ऐसी हुई जिससे मेरे लिए चौधरी चरण सिंह प्रातः वंदनीय हो गए। एक बार तो मेरठ कॉलेज मेरठ का फंक्शन था, डीएम उसका अध्यक्ष होता है, छात्र नेताओं ने चौ साहब को घेर लिया, चौ साहब केंद्र मंत्री थे, और जब स्टेज पर गए चौ साहब ने कहा अध्यक्ष कहाँ है, चौ साहब भी वहां के मेरठ कॉलेज को अच्छी तरह जानते थे, के जी वो तो कलेक्टर है, तो चौ साहब ने कहा क्यों रे, ये विदेशी है, तेरे से ज्यादा जिम्मेदार है, पढ़ा लिखा है, तेरे से बड़ा भारतीय है, और उनको मुझे बुला करके अपनी बराबर में बैठा कि आप इस जिस संस्था में आया हो आप इसके अध्यक्ष हैं, जो मेरा नाम लेगा उससे पहला आदरणीय अध्यक्ष जी कहते। इमरजेंसी लगी,
डाक बंगले पर चोर साहब थे। कलेक्टर को आदेश आया मुख्य सचिव का कि उन्हें गिरफ्तार कीजिए। उन्होंने कहा भोलानाथ तिवारी ने मेरी श्रद्धा उनमें थी, मैं चोर साहब की तरफ ना जा सकूं, खड़ा रहा। और खड़े रहने के बाद उनको चोर साहब जब सब कार्यकर्ताओं से मिलकर के कहा तुम जाओ मैं अब आराम करूंगा, और मुझे बुलाता हूं कलेक्टर कहां है, अरे डीएम साहब को बुलाओ, साहब कह करके संबोधित किया। राजनीति का और बदतमीजी का कोई मेल नहीं होता। हमने नारायण दत्त तिवारी जी को देखा, कई चीफ मिनिस्टर देखे, प्राइम मिनिस्टर देखे, सब सम्मान के साथ नाम लेते हैं, चाहे अपने विरोधी का भी नाम। तो मैं गया और भोलानाथ तिवारी हमारे सामने भी रोने लगे। भोलानाथ तिवारी जाट नहीं था, जाट गर्दी में रो रहा था। उसने कहा कि मुझे कहा डीएम साहब आप अपने दायित्व का निर्वाह कीजिए, मुझे अरेस्ट कीजिए। मैंने कहा सर मेरे हाथ कांप रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मेरा कर्तव्य है कि मैं सरकार का विरोध करूं, और तुम्हारा दायित्व है कि तुम सरकार के आदेश का पालन करो, भूलो मत तुम जिला अधिकारी हो, जिला मजिस्ट्रेट हो। हम उस पार्टी के लोग, उस विचारधारा के लोग, हमसे इन टिकिया चोरों से हमारा मुकाबला करोगे? अरे अतीत उठा करके देखिए, हम अतीत में मैदान में दिखाई देंगे, चाहे खेल का मैदान हो या खेत में दिखाई देंगे, और उनका अतीत कहां का है उसकी तुलना कीजिए। सुगर मिल उन पर मुझे बुला के ले गए लोग, गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, हम वहां से सारे मैनेजमेंट को लेकर के श्यामली एसडीएम साहब के पास ले आए। कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे, कहने को हमारे मित्र थे, उन्होंने डीएम को कहा अरिंद मलिक को अभी अरेस्ट करो। डीएम साहब ने मीटिंग बुलाई, विनोद चौधरी आपका भी एसडीएम रहा, जब सब अधिकारियों का सब हमारे सबसे रिश्ते ठीक थे, विनोद चौधरी ने कहा जी ये तो बोल नहीं रहे, वो नेकना बोलता था, कोई बकरी का बच्चा है कि हम ऐसे दाब लेंगे, हम नहीं पकड़ेंगे। तो एसडीएम साहब से बात की, उन्होंने कहा अधिकारी सारे मेरे पास बैठे। मेरा ये बात बताने का आशय ये है कि चरण सिंहवादी लोग हैं, चरण सिंहवादी लोग कभी अपने पथ को छोड़ करके नहीं चलते। आपका उद्देश्य है संविधान की रक्षा, संविधान के तहत रह करके हमने अहिंसक तरीके से आंदोलन करना है, और आंदोलन केवल करने के लिए आंदोलन नहीं करना, अगर समस्या का समाधान हो जाए तो अपने खेत में काम करना। हम समस्या का समाधान चाहते हैं। मजाक बना दी जिला पंचायत के मेंबर्स के अधिकार सी, मैंने कहा था 6-9 चुनाव से 6 महीने पहले इतनी जांच कराऊंगा, पढ़ा लिखा जाटू को बावड़ा नहीं, इतनी जांच कराऊंगा चाहे महिमा कांड हो, नेम रेफ आजार, हस्तलिखित सुसाइड नोट, नाम निकल जाते हैं, चाहे ब्लू हेवन कांड हो जिसमें सारे हिंदुस्तान के ठेके छूट गए, कोई भी कांड रहा हो, हम कुछ लोगों का ट्यूशन लेना चाहते हैं, पर जो चरण सिंह की तस्वीर दिख जाती है, जिन लोगों ने रातों रात अरबपति हो गए, सामान्य अधिकारी से राजनीति में आए और रातों रात अरबपति हो गए, जिनके पैसे की थान नहीं रही, हम उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। पर जब हम उनसे सीखने का प्रयास करते तो हमारे सामने चौधरी चरण सिंह का फोटो आ जाता, और फोटो आ जाता उस मेहनत का आदमी का जो पटे हुए कपड़ों में पसीनों में तर बतर चुनाव में 100 का नोट निकाल करके हमें दिया करता है, हमें आंसू आ जाती है, इसलिए हम उस धंधे को सीखना नहीं चाहते। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने मेरा अनुरोध स्वीकार किया होगा, आप पथ भ्रष्ट नहीं होंगे, आंदोलन अगर करने की जरूरत हुई तो आंदोलन किया जाएगा। निर्णय मेरी जानकारी में अभी निर्णय नहीं हुआ, निर्णय समिति करेगी, और जो निर्णय होगा उसका हम पालन करेंगे। पर हम आश्वस्त करना चाहते हैं अधिकारियों को कि तोड़ने का प्रयास ना करें, हम हिंसक नहीं होंगे, चाहे हम पर रोज लठ बजे, रोज हमारे ऊपर पत्थर फेंके जा, हम जो हमारा टारगेट है मछली की आंख जो हम दिखाई दे रही है उसी मछली की आंख पर चलेंगे, और हम चलते रहेंगे। हम जानते हैं कि हमारी पार्टी के नेता
का जो निर्देश है उसका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को सफलता मिलेगी। इससे पहले कि अध्यक्ष जी बोलेंगे, मेरा अनुरोध है आप सब शांत बैठ करके बात सुन लें और अधिकारियों से समिति बात कर लेगी, सम्मान के साथ बात करें, जिस अंग्रेजी में विद ड्यू रेस्पेक्ट कह दें तो उससे बात कर लें, जैसा निर्णय होगा आपको समिति बताएगी। हम और आप अनुशासी सिपाही, जो इनका निर्णय होगा उसे मान लेंगे, बाबा जो ये कहेंगे उसे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।